हेलो एवरीवन, मुझे आज किसी ने बोला कि आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो मैंने सोचा क्यूक्यूडी रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, ये है निफ्टी का प्राइस जो न्यू हाई है, और आरएसआई है जो प्रीवियस हाई के नीचे है, तो ये टेक्निकली नेगेटिव डाइवर्जेंस है, राइट? तो लेट अस थिंक ये क्यों हुआ। तो ये 14 पीरियड आरएसआई है, तो आरएसआई क्या शो करता है, इन लास्ट 14 बार्स रेशियो ऑफ एवरेज गेन टू टोटल रिटर्न्स, है ना। बार बाय बार अगर मैं देखूं कि कितना गेन और लॉस है, तो रेशियो ऑफ एवरेज गेन टू टोटल रिटर्न्स इज आरएसआई। तो ये क्यों नीचे है प्रीवियस वीक से, बिकॉज ऑफ दिस। ये देख रहे हैं आप, ये एवरेज फॉल जो है ना, ये लास्ट 14 बार में इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये नीचे है देन प्रीवियस हाई। तो वैसे तो ये वी शेप बाउंस है, राइट? अब देखिए, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे न्यू हाई है और आरएसआई प्रीवियस वीक के नीचे है, बिकॉज ऑफ दिस। ये जो नेगेटिव बार है, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि एवरेज गेन जो है वो कम हो जाता है एवरेज लॉस से यहाँ 14 पीरियड। बट जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता गया और पॉजिटिव बार्स ऐड होते गए, तो आरएसआई इंप्रूव। तो इसका मतलब है, अगर प्राइस नया हाई भी बना है लेकिन नेगेटिव बार ज़्यादा है, तो डाइवर्जेंस होगा प्राइस और आरएसआई के बीच में। तो क्या ये वी शेप बाउंस है, ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? नॉर्मली प्राइस एक्शन देखो तो स्ट्रेंथ है, राइट? हाँ, वो एग्जॉशन हो सकता है। तो अगर प्राइस कंसोलिडेट भी करे तो आरएसआई करेक्ट हो जाएगा। इस केस में अगर ये बार जैसे जैसे निकलते जाएंगे और प्राइस उधर ही रहा ना, तो भी आरएसआई इंप्रूव हो जाएगा, राइट? तो अगर ये समझ ले, तो फिर हमें डिसाइड करना है कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। डाइवर्जेंसेस चलते हैं नहीं, ये एंडलेस आर्ग्यूमेंट है, इसका कोई आंसर नहीं होता है। बट जो भी इंडिकेटर हम प्लॉट कर रहे हैं उसको ठीक से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। हर इंडिकेटर के पीछे कोई प्राइस पैटर्न्स होता है, अगर उसको समझ ले तो हमारा प्राइस एनालिसिस भी इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।